दोस्तों प्रयोगशाला साल 32 2018 1534 कल जैसे मैं आरएचयूएस जो है वहां में गया कोरोना जांच के लिए, तो जांच करने वाले जो व्यक्ति है मेरी जांच की तो वो मुझे पहचान गया, तो उसने पीड़ा बताई कि दे हम कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोग सैंपल कोरोना सैंपल लेने का काम कर रहे हैं। कोरोना में बहुत मैंने उनका काम भी देखा, आपने उस फोटो देखना आसपास गंद की है, वहां भी वो काम कर रहे हैं और कोरोना योद्धा के तौर पे वो काम कर रहे हैं और इनकी भर्ती को ठंडे बस्ते में चिकित्सा विभाग ने डाल दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ 1534 जो भर्ती है संविदा पे जो काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट भी करता हूँ। मैंने देखा कैसे काम करते हैं, उनके हवा भी अंदर नहीं जाती उस पीपी किट में, मैंने हाथ से चेक किया था देखा, तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे प्रदेश को देश को बचाने का काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को तो इनाम में इनकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, इनको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द देनी, इनको इनाम मिलनी चाहिए कोरोना योद्धा के तौर पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं चिकित्सा मंत्री जी से, रघु शर्मा जी से विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे योद्धाओं को सैल्यूट के साथ इनकी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और ज्वाइनिंग देना चाहिए 1534 अभ्यर्थियों को। दोस्तों मुझे जहां मौका मिलेगा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का तो मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। डॉक्टर भर्ती 2020 को भी ठंडे बस्ते में, मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग कौन सा ग्रहण लग गया, NMGNM 2013 2020 वाली डॉक्टर वाली रद्द कर गई, रद्द हो गई प्रयोगशाला सहायक 2018 1500 होती, ये सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग तक कैसे विवाद होता है। कम से कम जो अधिकारी गलती करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री जी उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सेकंड ग्रेड भर्ती 2000